भजन संहिता 73 अध्याय का 16 वचन। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। आसाफ क्या कहता है गीतों में, देखिए, उसके पहले वो उनको सब देखने के वक्त में इनका मन में दुख था, परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर की उस पवित्र स्थान में जाके परमेश्वर को आराधना की। आराधना करने के बाद उनकी नजरियां बदल गई है, परमेश्वर की नजर को उन्होंने अपनाया है। उस परमेश्वर की नजर को अपनाने के बाद वो अभी स्तुति करने लगा, उनकी स्तुति में कोई रुकावट नहीं रहा। अभी आसाफ कहता है, मैं दुष्टों की युक्तियों को नहीं देखता हूं, परमेश्वर का लगातार मैं आराधना कर रहा हूं, इसलिए परमेश्वर की नजर से मैं उन लोगों को देख रहा हूं। शायद दुष्ट अभी फूले पले, लेकिन उनका अंत जो परमेश्वर की महिमा नहीं है वो नाश हो जाएंगे, लेकिन धर्मी जन परमेश्वर के अनुग्रह से जिएंगे, परमेश्वर से दया को प्राप्त करेंगे। दुष्टों के बारे में वो कहता है उनका अंत व्यर्थ है, उनका जीवन में कोई लाभ नहीं है, उनका जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर को देखूंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा। परमेश्वर को आराधना करने के बाद आशा का नजर बदल गया है, उनकी नजरियां परमेश्वर की नजर जैसे वो के अभी वो कहता है, मैं तो परमेश्वर को लगातार स्तुति करूंगा और लगातार परमेश्वर की महिमा करूंगा। अभी आसाब कहता है, मैं परमेश्वर को लगातार स्तुति करते रहूंगा, लगातार परमेश्वर को मैं धन्य कहूंगा, लगातार परमेश्वर के लिए मैं गीतों को गाऊंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर के चरणों के पास आने से आपके अंदर का खड़वापन बदलना है, विरोध की भावना बदलना है, गुस्सा करने की भावना बदलना है, प्रेम बढ़ना है। शायद आपके सामने वाला घर वाले या आपका पड़ोसी, आपके इधर उधर रहने वाले आपको दुख देने के चलते आपने उन्हें शाप दिया है, आपने उन्हें कोसा है, इसलिए आप उनके विनाश की ओर ताकते रह रहे। कब वो नाश होंगे, कब परमेश्वर उनको दंड देंगे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में आने के बाद उनको हमें क्षमा करने की आवश्यकता है, उनकी आशीष के लिए दुआ करने की आवश्यकता है। ऐसे करने से परमेश्वर आपका जीवन में जो भी कमियां है उसको दूर करके आपके आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया।